नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, जो बहुत ही यूनिक चीज़ है। आप सभी लोग जानते भी होंगे लेकिन नहीं भी जानते होंगे। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और यूनिक जानकारी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की पहचान कैसे करें। जो वेजिटेबल्स है, ये तरवई जो लगी हुई है और यहाँ पर करेला लगे हुए हैं, तो इन तरवई और करेले में आप मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कैसे पहचानेंगे कि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो दोस्तों बेसिकली ये नई वैरायटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है कि अगर हमारे पास ये जानकारी रहती है कि मेल फ्लावर ये है और फीमेल फ्लावर ये है, तो हम लोग वैरायटी को क्रॉस कर सकते हैं किसी अच्छी वैरायटी से, किसी बेकार वैरायटी से। अगर कोई ख़राब है, वो अपना आनुवंशिकता खो रहा है, तो उसको उसके पैरेंट से या किसी अच्छी वैरायटी से अगर जब हम क्रॉस करा देते हैं, तो उसकी गुणवत्ता जो है फिर से मेंटेन हो जाती है और जेनेटिकली वो थोड़ा सा प्योर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर है जो कि सूख गया है। ये मेल फ्लावर आप जो देख रहे हैं, ये मेल फ्लावर है। और इससे पहले आपको ये तो दिखाता हूँ मैं, ये भी देख रहे हैं, ये सब मेल फ्लावर का बड्स है जो खिलने के लिए तैयार है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक फीमेल फ्लावर हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आपकी तरवई लगेगी। ये यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ये पत्ते के बगल में ये फीमेल फ्लावर है। इसके ऊपर जो बड्स निकला हुआ है, बाद में ये खिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ नहीं देख पाएंगे तो मैं छोटा सा है थोड़ा सा इधर मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे इसमें, इसी प्लांट में ही मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ज़रा सा आ जाए, कैमरे में आ नहीं रहा है, मैं फोकस इसका अभी आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और ऊपर इसको कैमरे को ले जाता हूँ, तब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये भी नहीं आ रहा है, बहुत छोटे छोटे हैं। अब इधर से आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये सेंटर में ये चीज़ें देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एक पतली सी दिख रही है ये, और यहाँ से आपका ये निकलेगा। ये तरवई है, इतनी बड़ी ये तरवई है, और यहाँ पर ये लास्ट में ये देखिए, ये तरवई है और इसका फ्लावर जो है, यहाँ पर ये फ्लावर है, यहाँ से फूल निकलेगा। ये तरवई है और ये फ्लावर है। अब आपको दिख गया होगा साफ साफ, थोड़ा सा साफ दिख गया होगा। अभी भी नहीं दिखा है तो हम आपको आगे दिखाते हैं, दूसरे प्लांट में हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मेल प्लांट, ये मेल फ्लावर है, ये वाला ये मेल फ्लावर है जो सूख गया है। ये मेल फ्लावर ये भी सूख गया है, और उसके बाद फिर ये, पहले ये छोटा ही था, इसके बगल में भी देखिए छोटे छोटे यहाँ पर निकल रहे हैं। यहाँ पर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दोनों, ये फीमेल फ्लावर है, सॉरी मैंने आपको मेल फ्लावर बता दिया। इसके बगल में ये वाला मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, जिसमें फल लगेंगे और यहाँ से बीज भी निकलेगा। ये देखिए, अब ये साफ दिखाई दे, ये फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर जो आपको दिखाई, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये फीमेल फ्लावर है, बाद में ये बड़ा होके इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर जो दिख रहा है। और ये जो मेरी उंगली पर ये फ्लावर है, इसके फ्लावर से ये क्रॉस करता है, बाद में क्रॉस करने के बाद फिर इसी में हम लोग क्रॉस कराते हैं किसी अच्छे प्लांट से, जो अच्छी वैरायटी होती है उसी वैरायटी को ला के यहाँ पर क्रॉस करा देते हैं, और ये पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन होने के बाद इसी में जो सीड बनता है वो एक अच्छी वैरायटी का बन जाता है सीड, जहाँ से हम क्रॉस कराए होते हैं। ऐसे ऐसे कई बार करा के, क्रॉस करा के एक अच्छी गुणवत्ता वाला हम ले आते हैं। यहाँ पर आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये आप छोटा सा देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा है, यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि फीमेल फ्लावर है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको छोटा सा ये दिख जाएगा, ये मेल फ्लावर है, इसमें से सब मेल फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, सब मेल फ्लावर निकलेंगे। और इसी तरह से हम आपको दिखा देते हैं आगे करेले में भी दिखाएँगे, जो कि ब्रीडिंग पर्पस से काफ़ी अच्छा होता है। आप इस तरीके से ब्रीडिंग कर सकते हैं,
यहाँ देखिए करेले में भी इसी तरीके से सेम, ये जो निकला हुआ है फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके फीमेल फ्लावर को सर्च करेंगे, यहाँ पर फीमेल फ्लावर कहाँ पे है। इसमें कहीं अभी दिख नहीं रहा है फीमेल फ्लावर, लेकिन एक फीमेल फ्लावर्स निकल के इसमें फ्रूट्स लग गए हैं। ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ्रूट लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसमें करेला तैयार हो रहा है। और यहाँ पर एक फ्लावर लगा था, ये नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी फ्लावर से ही हम लोग क्या कराते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर से क्रॉस कराते हैं सब्जियों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल फ्लावर दोनों फूल एक ही पौधे पर हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।